रक्षाबंधन का भी बड़ा इतिहास है। संक्षिप्त में इतना ही कहूँ कि ये एक बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा का विषय है। हमारे देश में आज भी अब मैं जब इंडिया जाऊँगा ना, तो घर पर जाते ही सबसे पहले मेरी माँ मेरी नज़र उतारेगी। अब तो मैं बड़ा हो गया है, लेकिन आज भी, और ये सत्य बात है, ये जो नज़र लगना, बच्चों को नज़र लगती है, ये सत्य बात है। और श्रद्धा यदि हो, हमारे वहां तो लिखा है ना कि श्रद्धा का हो विषय, तो पुरावा की क्या जरूरत, क्योंकि कुरान में कहीं पैगंबर की सिग्नेचर नहीं पाई गई है, विश्वास है, है? तो विश्वास का विषय, श्रद्धा का विषय है कि यदि हम किसी के भी लिए कुछ कामना करते हैं कि ये निरोग रहे, कि ये स्वस्थ रहे, तो भगवान वो कामना पूर्ण करते हैं। लेकिन बात सत्य है, आप विचार कीजिए, मछली जो है ना, जब अपना मछली अंडा रखती है, पक्षी जो होता है, पक्षी अपनी पंखों से अपने अंडे का सेवन करता है, पोषण करता है। लेकिन मछली का ऐसा नहीं है, मछली अपने आंखों से अपने अंडे को पोषण करती है, और कछुआ जो है अपने मन से अपने अंडे को पोषण करता है, क्योंकि कछुए का अंडा कहीं और होता है, कछुआ कहीं बहुत दूर होता है, वो मन से अपने अंडे का पोषण करता है, मन से कनेक्शन होता है, श्रद्धा विश्वास है। ठीक उसी प्रकार ये रक्षाबंधन जो है, हैं, मेरे भाई की रक्षा हो, मेरे पति की रक्षा हो, ये एक विश्वास से यदि हम किसी के लिए रक्षा की कामना करें तो अवश्य उनकी रक्षा होती है। इस संसार में प्रथम राखी एक पत्नी ने अपने पति को बांधी थी। देवराज इंद्र जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी शची ने उनको रक्षाबंधन की राखी बांधी थी। समय आगे बीतता गया, फिर पत्नी पति को राखी बांधना बंद किया, एक मां अपने बेटे को राखी बांधने लगी। द्वापर युग में माता कुंता ने अभिमन्यु को राखी बांधी थी, और कुंता की राखी जब तक अभिमन्यु के हाथ में थी, किसी की ताकत नहीं थी कि अभिमन्यु को कोई मार सके, है? वो तो राखी टूटी, अभिमन्यु फंसा। तो राखी में ये ताकत होती है। समय बीता और हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने देश काल पात्र को देखकर फिर ये निर्णय किया कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधेगी। तो आज रक्षाबंधन में एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है। और अभी तो कलयुग बहुत आगे निकल गया, पहले के ज़माने में बहन बहुत दूर रहती थी, भाई बहुत दूर रहता था, कम्युनिकेशन कुछ नहीं था। तो रक्षाबंधन के कारण बहाना लेकर बहन अपने मायके से, अपने ससुराल से अपने मायके आती थी अपने भाई को राखी बांधने के लिए। हरियाली तीज से बहन आ जाती थी, कुछ दिन रहती थी, रक्षाबंधन करके फिर चली जाती थी। तो बहन भाई को राखी बांधती है और रक्षा की कामना करती है, और वास्तव में उस राखी से, बहन की कामना से भाई की रक्षा होती है। जब एक बहन भाई को राखी बांधती है तो एक बहुत सुंदर श्लोक शास्त्र में कहा गया है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूजा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्ट नेमी, स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु। यह कहकर बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक करे राखी बांधते समय, और यह बोलकर तिलक करे, और जब राखी बांधना हो तो पुराण में लिखा है, ये न बद्धो बलि राजा, राखी बांधते समय, ये न बद्धो बलि राजा
दानवेंद्रो महाबलह तेन त्वाम अभिबद्धामि रक्षे माचल माचल। ऐसा कहकर एक बहन अपने भाई को राखी बांधे, वो भाई की सदैव रक्षा होती है। सो इस प्रकार ये राखी का उत्सव है। राखी की और एक कथा है कि जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया और बलि महाराज की यज्ञशाला में गए, दो कदम में ब्रह्मांड मांग लिया तो बलि को कहा तीसरा पांव कहां रखूं, बलि ने कहा मेरे मस्तक पर। स्वर्ग इंद्र को दे दिया और भगवान ने बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बनाया, संक्षिप्त में आप सब जानते हैं, और कहा कि अगले मन्वंतर में आप स्वर्ग के राजा बनोगे, तब तक आप सुतल लोक में रहो। बलि महाराज ने कहा प्रभु आपके कहने पर मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन सुतल लोक में उन लोगों के साथ उठना बैठना मेरा तो मन भर जाएगा, प्रभु आप भी मेरे साथ चलो ना तो मुझे अच्छा लगेगा। भगवान तो बलि महाराज के ऊपर इतने प्रसन्न हो गए थे क्योंकि आत्मनिवेदन कर दिया बलि ने, बोले कोई बात नहीं बलि, तेरी यही इच्छा है तो तू सूतल लोक का राजा बनेगा और मैं तेरे सूतल लोक का द्वारपाल बनूंगा। तू जब भी दरबार में आएगा मेरा दर्शन होगा, जब भी घर जाएगा मेरा दर्शन होगा। अब देखिए बलि महाराज सूतल लोक के राजा बने और भगवान विष्णु बलि महाराज के वहां द्वारपाल बन गए। अब एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन, चार दिन, दस दिन हुआ, वहां लक्ष्मी जी परेशान फोन करने लगी पार्वती को, ब्रह्माणी को, कि तमारा भाई हजी घरे नहीं आया, शू थयू हशे। ये हिंदी वाले सोचेंगे ये क्या बोले, आ तमारा भाई आ एक संबोधन छे। तो लक्ष्मी जी परेशान, तब तक नारद मुनि वैकुंठ में लक्ष्मी जी के पास गए और कहने लगे देवी अब अपने पति की राह मत देखो, क्यों, बोले वो तो सुतल लोक में द्वारपाल बन गए और वो तो अपने भक्तों के हाथ में बिक जाते हैं, अर्जुन के ड्राइवर बन गए, वहां दुर्योधन के नाई बन गए, यशोदा के हाथों से बंध गए, ये तो बिक जाते हैं। और इसलिए तो कहते ना प्रेम के बंधन में मोहन, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। बांधा तो उसे जाता है जिसका आदि मध्य और अंत होता है, दुर्योधन न मेरा आदि है न अंत है, तू मुझे बांध नहीं सकता, कौन बांध सकता है, इसे कोई नहीं बांध सकता, लेकिन हाँ यदि हम कृष्ण से प्रेम करें तो वह प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। यशोदा के प्रेम, सत्यव्रत ऋषि ने यही कहा ना कि आप ये मत समझिए कि रस्सी के बंधन में बंधे हैं, रस्सी थोड़ी ना इसे बांध सकती है, ये प्रेम के बंधन में, प्रेम के बंधन में बंध गए, वहां ड्राइवर बन गए और यहां पर सूतल लोक में जाकर एक एक द्वारपाल बन गए हैं, एक द्वारपाल। नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी जी, और नारद तो जानते ना जले में नमक और ज्यादा मीठू मरचू दाना जीरू बधू नाखीन आपड़ी जेम, हा अली एक वात को कोई ने कहती नहीं, ये गुजराती लोग समझ गए। नारद मुनि ने कहा कि अब उसे भूल जाओ, अब इसे छोड़ दो, बोले नहीं नहीं नारद मुनि, नारद जी आप सबका कल्याण करते हो मेरा भी कर दो ना। जयति जयति देवो यस्य काया धुवस्ते, वो कयाधु का लड़का गर्भ में था, कयाधु का बेटा गर्भ में था, आपने गर्भ में ही उद्धार कर दिया और ध्रुव दो मिनट के लिए मिल गया, छह महीने में ईश्वर को पा गया,
नारद आप तो सर्वसमर्थ हैं, सबका काम करते हैं, मेरा कर दो ना। नारद जी ने कहा तो ठीक है, एक काम करो, आज रक्षाबंधन है, जल्दी फ्लाइट पकड़ो और सूतल लोक में जाओ और वहां जाकर बलि महाराज को भाई बना लो। लक्ष्मी जी चली और सूतल लोक में आई और बलि महाराज को भाई बना लिया और बलि महाराज को राखी बांधी, पेड़ा खिलाया। बलि महाराज प्रसन्न हुए कि बहना आप मेरे घर पर, मैं धन्य हो गया, मुझे राखी बांधी। बोलो बहना तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए वो मांग लो बहना, जो चाहिए वो मांग लो। नारद जी ने कहा था जब ये डायलॉग बोलेगा तब मांग लेना। तो बलि महाराज ने कहा कि बहन जो चाहिए वो मांग लो। बहन ने कहा कि जीजा जी को छोड़ दो। तब बलि महाराज ने सोचा बहन मांग रही है और कैसे मैं बहन को ना करूं। बलि महाराज ने भगवान को रिहा किया और भगवान ने गरुड़ को बुलाया, लक्ष्मी को बिठाया, भगवान बैठे तो बलि महाराज को निराश देखे। भगवान बलि महाराज के पास लक्ष्मी को बिठाकर वापस आए। बलि तुम चिंता मत करो, मैंने तुमको वादा किया है, अभी तो ये लक्ष्मी आई है, तुमको भाई बनाया और मांग लिया और मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन बलि महाराज तुम चिंता मत करो, मैं साल के 12 महीना तो यहां नहीं रह पाऊंगा, लेकिन साल के 4 महीना चतुर्मास में, मैं चतुर्मास के 4 महीना बलि में तुम्हारे पास रहूंगा। लेकिन प्रभु कैसे आप आओगे, ये मेरी बहन तुमको छोड़ेगी? तब भगवान ने कहा बलि मैं सोने का नाटक करूंगा, इसलिए आप देखो शयन एकादशी से लेकर उत्थान एकादशी 4 महीना चतुर्मास, शयन माने सोना, उत्थान माने जगना, आध्यात्मिक जगत में 4 महीना भगवान सोते हैं। तो भगवान ने कहा कि शयन एकादशी से लेकर उत्थान एकादशी तक चतुर्मास 4 महीने बलि मैं तेरे पास सूतल लोक में रहूंगा। ये जो चतुर्मास चल रहा है ना, ये चतुर्मास में शयन एकादशी बहाना है, शयन का ये लेकर भगवान बलि महाराज के वहां सूतल लोक में रहते हैं। तो फिलहाल चतुर्मास चल रहा है, भगवान ऊपर नहीं नीचे हैं, हमसे बहुत निकट हैं और इसलिए चतुर्मास पवित्र माना गया है।